सोलन के जोड़ा जी रोड पर बिजली का ट्रांसफार्म स्थापित कर बिजली बोर्ड ने शायद उसकी कभी सुधी नहीं ली है। यही कारण है कि शहरवासियों को रोशनी देने वाला ट्रांसफार्म आज भी लापरवाही के अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ट्रांसफार्म को जहां स्थापित किया गया है उसकी नींव पूरी तरह से हिल चुकी है और ये ट्रांसफार्म कभी भी गिर सकता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस बारे में कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। मानो तो बिजली बोर्ड किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि जोड़ा जी रोड पर स्थापित ट्रांसफार्म कभी भी गिर सकता है। ट्रांसफार्म की नींव पर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से नींव पूरी तरह से हिल चुकी है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो ये ट्रांसफार्म कभी भी गिर सकता है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए विभाग को चाहिए कि वे जल्द से जल्द इस बारे में सोचें और इसकी आवश्यक मरम्मत करवाएं, ताकि संभावित घटना को टाला जा सके। ये करीब साल भर से दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और इसके विषय में मैंने कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को बताया भी, दिखाया भी, किंतु ये दिन बाई दिन ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। ये किसी भी दिन ये दरारें के कारण ये ट्रांसफार्मर बैठ सकता है, जिसके कारण मैंने कि इसमें यदि ये किसी के ऊपर गिरा या किसी गाड़ी चलती हुई गाड़ी पर गिरा, किसी मनुष्य पर गिरा, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आपसे अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द इसको ठीक कराया जाए, जिससे कि मैंने कि आने किसी तरह की दुर्घटना ना हो सके। तो हमारे खतरा तो ये है कि जब भी गिरेगा कई चीज़ टूटेंगी, मकान लोगों की मैंने कि घर में जो इलेक्ट्रिक सामाने हैं वो भी उड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही जानकारी मिल गई है, तो जानकारी मैंने आँख के सामने है, उसके बावजूद भी यदि नहीं ठीक हुआ तो ये तो बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन जाएगा। बिजली बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें अपने ट्रांसफार्मर, अपने बिजली के पोल, अपनी लाइनों की हर एक जगह की जानकारी होती है। दूसरा, ये जो पोल आप हमारे बैक साइड में देख रहे हैं, जैसे अभी दत्ता जी ने बताया, पंकज दत्ता जी ने, इसमें साल भर से दरारें आ रही हैं। एक दो बारी पिछले साल और अभी कुछ टाइम पहले इसमें बहुत बड़े पटाखे शॉर्ट हुए, सर्किट हुए, मगर अब ये इस तादाद पे है कि ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि लॉकडाउन खुलते खुलते अब काफ़ी खुल चुका है। रोडों पे गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होने लगी है। आप जोनाई रोड पे देख सकते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर, और साथ ही देख रहे हैं अभी एक व्हीकल पास में ही पार्किंग में खड़ा हुआ है, पार्क हुआ हुआ है सड़क के ऊपर। अगर ये ट्रांसफार्मर अभी या कल या रात को जिस तरह से बरसात हो रही थी, इसकी दरारों के अंदर पानी जिस तरह से भर रहा है, ये चलती लाइन अगर ऑन रोड पे गिर जाती है, सामने बिल्डिंग है और साथ ही गाड़ियां चली होती हैं, छोटे बच्चे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, जौनाई साइड से काफ़ी तकरीबन हमारे ओल्ड बस स्टैंड को लोग आते हैं बसों में, यहां जाम भी लगा रहता है, तो ऐसा ना हो किसी दिन ये पोल चलती सप्लाई किसी बस पे, किसी कार स्कूटर के ऊपर गिर जाए, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से, बिजली बोर्ड प्रशासन से यही हाथ जोड़ कर विनती रहेगी कि कृपया करके इसे तुरंत ठीक करने की कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे शहर में कोई बड़ा हादसा ना हो।